हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम इकाइनोटर्मेटा। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोटर्मेटा। ठीक है, इकाइनोटर्मेटा आप कह सकते हो कि ये वो इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स होंगे जिनकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होंगे स्पाइन्स, इसलिए हम इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेकंड, जो इकाइनोडर्मेटा है इसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द इन्वर्टिब्रेट फाइलम। ठीक है, इसके आगे कोई भी इन्वर्टिब्रेट का फाइलम नहीं है, ये लास्ट इन्वर्टिब्रेट का फाइलम है। देन इसको हम कहते हैं कि ये जो फाइलम है ये क्लोज टू दी है कॉर्डेट्स, क्योंकि इसके बाद जो है कॉर्डेट्स वाले जो फाइलम है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि ये टॉप ऑफ द इन्वर्टिब्रेट है एंड वेरी क्लोज टू दी क्या है कॉर्डेट्स। ठीक है, देन इसके अंदर क्या होगा, आपको काफ़ी एडवांस्ड आप कह सकते हो इनके करैक्टरिस्टिक्स भी मिलेंगे और वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ करैक्टरिस्टिक्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये ऐसा फाइलम है जिसपे एडवांस्ड एज वेल एज प्रिमिटिव दोनों टाइप जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम वन बाई वन इसके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मैरीन। एक्सक्लूसिवली का मतलब कि ये मैरीन के अलावा किसी और इन्वायरमेंट में या हैबिटेट पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक्वेटिक की नेचर होंगे, टेरिस्ट्रियल फॉर्म पे कुछ नहीं प्रेजेंट होगा और फ्रेश वाटर कंडीशन पे भी इनके कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, नॉन कॉलोनियल मतलब कॉलोनी की फॉर्म पे नहीं रहेंगे और मोस्टली जो इनके मेंबर हैं वो बॉटम डेवलप मतलब बिल्कुल ही बॉटम या आप कह सकते हो जो ओशन का सरफेस होगा, सबस्ट्रेटम होगा, वहीं पे ज़्यादा ये मिलेंगे। ठीक है, देन अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो बॉडी होती है इनकी रेडियल। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है रेडियल का। ठीक है, पेंटामरस सिमेट्री। ठीक है, पेंटामरस सिमेट्री की 5 रेडियल में इसकी क्या होगी, वो सिमेट्री होगी, बट वो देखने को मिलती है मोस्टली इन अडल्ट में। ठीक है, जो लार्वे होंगे वो होंगे इनके बायलेटरली सिमेट्रिकल, बट जो उनके अडल्ट होंगे उनकी सिमेट्री अलग होगी और वो कैसे होंगे, रेडियल या आप कह सकते हो पेंटामरस सिमेट्री। ठीक है, अगर हम इनकी बॉडी की अपेयरेंस की बात करें तो बॉडी अपेयरेंस पे इन पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। इनको जो मोस्ट प्रॉपरली शेप इस पे देखने को मिलती है वो होती है स्टार लाइक अपेयरेंस, जिसमें हम कहते हैं एक स्टार फिश जो है वो प्रेजेंट है। बहुत सारे इसके ऐसे मेंबर्स होंगे जिनकी शेप कैसे होगी, ग्लोबुलर होगी, सर्कुलर हो सकती है, हर्ट शेप्ड हो सकती है, इलॉन्गेटेड हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, स्टार शेप्ड हो सकती है, फेदर्स आर्म्स की तरह से, मैंने बहुत तरह की इनके इन पे बॉडी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है बॉडी शेप में। ठीक है, देन उसके अलावा अगर हम इनके बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके पास प्रेजेंट होता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी ट्रिपलोप्लास्टिक की नेचर होते हैं, वेल डेवलप्ड इनके पास सिलोम प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे जो इनका सिलोम है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो होती है इनके इंटेरो सिलोमेट, मतलब इनका जो सिलोम की फॉर्मेशन होगी वो कौन सी होती है, आउटपोज ऑफ दी जो इनके ऑर्किट्रॉन या गट वाले पार्ट से। ठीक है, यहाँ पे शाइजोसिलोमेट टाइप सिलोम नहीं है, शाइजोसिलोमेट हो गया जिसपे जो इनका मेसोडर्म वाला पार्ट है वो स्प्लिट होके सिलोम की फॉर्मेशन करता है, और दूसरा कौन सा होता है इनका इंटेरोसिलोमेट, जिसपे जो इनका गट वाला पार्ट है वहाँ से आउटपोज निकल के वो फाइनली क्या करती है, सिलोम कैविटी की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट आता है, इससे पहले जो हमने पढ़े उन पे हमने कहा था सिलोम तो प्रेजेंट है बट कैसे, शाइजो सिलोमेट, और यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, इंटायरो सिलोमेट टाइप ऑफ सिलोम से इनकी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, स्केल्टन इनके पास प्रेजेंट होगा और स्केल्टन इनका किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, बॉडी की जो इनकी है बॉडी की आप कह सकते हो सरफेस की बात करें तो दो तरह की इनके सरफेसेस होती हैं, एक हो गया ओरल सरफेस, ओरल सरफेस या ओरल साइड वो होगा जहाँ पे इसकी माउथ होगा या माउथ की ओपनिंग होगी, एबोरल सरफेस इनका वो सरफेस होगा जो माउथ से अवे होगा या आप कह सकते हो कि जहाँ पे इनकी
एनल ओपनिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम पे देखें तो क्या सा नज़र आएगा, इस तरह की इसके ये दो सरफेस हैं, ये हैं स्टार फिश। ठीक है, ये आगे इसकी रेडियल, जो हमने कहा था कि जो ऑल्डहर्ट्स होंगे वो मोस्टली कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री पे या पेंटामर से, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5 इसकी रेडियल आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, अब ओरल सरफेस वो सरफेस होगी जहाँ पे हमने कहा कि क्या प्रेजेंट होगी, माउथ ओपनिंग, और एबोरल सरफेस वो होगी जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, इनकी एनल ओपनिंग या एनस प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन इनके ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होता है स्केल्टन, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इन्हीं के ही सरफेस के ऊपर जो एबोरल सरफेस है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस। ठीक है, ये अब जैसे नज़र आ रहे हैं ये इसके स्पाइंस प्रेजेंट होंगे, और लेटरल साइड पे भी आप कैसे स्पाइंस होंगे, और इनकी सरफेस के ऊपर भी क्या होंगे, स्पाइंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जो इनकी एबोरल सरफेस है वहाँ पे मैड्रीपोराइट एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये किसके लिए होती है, ये ओपनिंग होती है इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के लिए, जो इसका यूनिक और आप कह सकते हो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है जो किसी और इनवर्टिब्रेट फाइलम पे नहीं मिलता, क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये होगी इसके बॉडी सरफेस की बात, कि दो तरह की सरफेस होंगी, ओरल यहाँ पे माउथ ओपनिंग, एबोरल यहाँ पे एनल ओपनिंग। ठीक है, देन फिर मैंने कहा कि द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कवर्ड विद कैलकेरियस ऑसिकल्स स्पाइंस डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्मल टिश्यू, ये जो हमने कहा कि जो इसकी सरफेस होगी वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, स्पाइंस प्रेजेंट होंगे या ऑसिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन द ओरल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाई 5 इक्वी डिस्टेंस रेडिएटिंग एम्बू लेक्रा। ठीक है, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये हम यहाँ देखेंगे, ये इसकी एबोरल सरफेस पे नहीं, ओरल सरफेस वाले साइड पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये जो आपको ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं, या आप कह सकते हो ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं एम्बू लेक्रा। ठीक है, और ये जो बीच में आपको हॉलो कैनाल नज़र आ रही है ये होती है इसके एम्बू लेक्रल ग्रूव्स या एम्बू लेक्रल इंटर एम्बू लेक्रल ग्रूव भी कह सकते हो, या एम्बू लेक्रल ग्रूव भी। ठीक है, और हर एक आर्म पे ये क्या होगी, प्रेजेंट होगी, जो सेंटर से टूवर्ड्स द टिप ऑफ द आर्म तक वो क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। ठीक है, और ये हमेशा प्रेजेंट होगी इसकी ओरल वाली साइड पे, एबोरल सरफेस पे हमें ये वाला स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, देन एपिकुलर सिलोमिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये हमने पहले कहा कि जिस तरह से वाटर वेस्कुलर सिस्टम या जिसको हम एम्बुलेक्रल सिस्टम कह रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है किसका, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फाइलम पोरिफेरा के पास प्रेजेंट होता है वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, पोरिफेरा के पास प्रेजेंट होता है वाटर कैनाल सिस्टम, और इसके पास प्रेजेंट होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि वाटर कैनाल या वाटर वेस्कुलर, वाटर वेस्कुलर इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होता है और वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है पोरिफेरा में। ठीक है, और ये भी आप कह सकते हो कि वाटर एक ट्यूब लाइक पूरा स्ट्रक्चर होता है, मैड्रीपोराइट इसकी ओपनिंग होती है जहाँ से वाटर इंटर होता है, फाइनली वो रीच करता है कहाँ तक, ट्यूब फीड के स्ट्रक्चर पर। ठीक है, ये एक पूरा एक इंडिविजुअल टॉपिक है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो हम नेक्स्ट वीडियो पर इसको कम्प्लीट में डिस्कस करेंगे, और इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम का दूसरा क्या नाम होता है, एम्बुलेक्रल सिस्टम। ठीक है, और इस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये फीडिंग में हेल्प करता है, लोकोमोशन पे हेल्प करता है, एज वेल एज रेस्पिरेशन पे भी इनका रोल क्या करता है, वो प्ले करता है। ठीक है, ये आप कह सकते हो सबस्टेटम की अटैचमेंट के साथ भी ये रोल क्या करता है, प्ले करता है। ठीक है, देन प्रिमिटिव करेक्टरिस्टिक अब इस पर क्या आ जाएंगे, इससे पहले जो हमने इनवर्टिब्रेट फाइलम पढ़े वहाँ पे हमने कहा कि वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी इन द फॉर्म ऑफ किडनीज प्रेजेंट हैं, बट इसके पास कोई भी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये आ जाएगा इसका एक वन प्रिमिटिव करेक्टरिस्टिक, जो आप कह सकते हो इनके फॉर्म पे ये काफ़ी रिड्यूस प्रेजेंट हो जाएंगे ये वाले फंक्शंस रेस्पिरेशन के और एक्सक्रेशन के, बट फिर भी कुछ के पास आप कह सकते हो कि गिल्स या क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट होंगे, जिससे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये तो हमने डायग्राम को तो डिस्कस कर लिया,
अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका ओपन टाइप, वही कि जो ब्लड है वो ओपन साइनस से या ओपन स्पेसिस पे क्या करेगा, फ्लो करेगा, मतलब कि वो अपनी जो मेन इनकी वेसल्स हैं उनसे बाहर फ्लो करेगा। किसी भी तरह का कोई ब्लड पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट नहीं होगा। हार्ट भी इनके पास क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। देन नर्वस सिस्टम भी इनका प्रिमिटिव होगा, और कैसा बना होगा वो, रेडियली अरेंज, जिस तरह से इनके ये सेंटर में रिंग है यहीं पे एक रेडियल नर्व रिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। देन ट्यूब फीट एड्स इन लोकोमोशन, ठीक है। जो ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर है ये भी हम जब वाटर वेस्कुलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम इसको कंप्लीट पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ट्यूब फीट, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, ये हम आगे के लिए रखते हैं। बट अभी के लिए हम ये कह सकते हैं जो ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होते हैं इसकी ओरल सरफेस वाले साइड पे, एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ अटैच्ड होते हैं, और ये किस पे हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में, ठीक है। यूनिसेक्चुअली होते हैं, डायोशियस मतलब कि इस पे जो इंडिविजुअल्स होंगे वो दोनों अलग होंगे, मेल और फीमेल के किसी भी तरह का कोई सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलेगा, आप एक्सटर्नली मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर ये रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, और एसेक्चुअली भी ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस, बट कौन से प्रोसेस से, रीजनरेशन के प्रोसेस से, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल होगी, डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे लार्वल फॉर्म इनके पास क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। इनके पास रीजनरेशन की पावर होगी, जो हमने कहा कि मोस्टली इनके एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन पे भी क्या करेगी, रोल प्ले करेगी। सेंस ऑर्गन भी इनके पास क्या होंगे, पुअरली डेवलप्ड होंगे। हालांकि इससे पहले जब हमने फाइलम मोलस्का को डिस्कस किया उस पर हमने कहा था कि वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन उनके पास प्रेजेंट थे, ठीक है। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पास उनसे ज़्यादा डेवलप्ड होने चाहिए थे, बट ये भी आ जाता है इसका आप कह सकते हो प्रिमिटिव या रिड्यूस करेक्टरिस्टिक, कि इनके सेंस ऑर्गन्स पूरी तरह से डिवेलप्ड नहीं होंगे, ठीक है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो इकाइनोडर्मेटा है ये एक तो बिल्कुल टॉप ऑफ द इनवर्टिब्रेट फाइलम है, देन क्लोज टू द कॉर्डेट। अब इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो इसके आगे आने वाले मेंबर्स के लिए फेवरेबल होंगे, और कुछ के लिए क्या होंगे, वो अनफेवरेबल होंगे, ठीक है। ये था आज का टॉपिक, कौन सा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।